हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं LIC के एक बहुत फेमस प्लान के बारे में, जिसका नाम है न्यू मनी बैक प्लान और टेबल नंबर है 920। तो ये एक लिमिटेड प्रीमियम नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट मनी बैक प्लान है। तो लिमिटेड प्रीमियम मींस जिसमें पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म दोनों अलग अलग होंगे। नॉन लिंक्ड मींस ये पॉलिसी मार्केट से लिंक नहीं करती है, इस वजह से इसका इसमें लगाया गया पैसा सुरक्षित रहता है। और विद प्रॉफिट मींस कि जो कंपनी को प्रॉफिट होगा वो उस प्रॉफिट को पॉलिसी होल्डर्स के साथ इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर करती है। और मनी बैक पॉलिसी का मतलब है ऐसी पॉलिसी जिसमें मैच्योरिटी तो मिलेगी ही, पर मैच्योरिटी से पहले कुछ कुछ इंटरवल्स के दौरान मनी बैक भी मिलेगा। तो देखिए, सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि एक 20 साल का प्लान है, 15 साल तक पैसा देना है और पॉलिसी ईयर्स में 5वें, 10वें और 15वें साल में मनी बैक भी मिलेगा। इस पॉलिसी को स्पेशली डिजाइन किया गया है पॉलिसी होल्डर्स की फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट नीड्स को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है एंट्री एज, जो कि है 13 से 50 साल। देन टर्म है इसकी 20 साल। फिर है पीपीटी यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म, जो है 15 साल। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है 70 साल। मिनिमम सम अश्योर्ड है 1 लाख और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, ये इनकम पर डिपेंड करता है। प्रीमियम पेइंग मोड है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। और लास्ट फीचर है इसका राइडर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, जो कि बेसिक पॉलिसी से एक्स्ट्रा अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसे राइडर कहा जाता है। इसमें 4 प्रकार के राइडर्स प्रोवाइडेड हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जिसे हम ADDB राइडर भी कहते हैं। सेकेंड है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। थर्ड है टर्म इंश्योरेंस राइडर और लास्ट है क्रिटिकल इलनेस राइडर। अगर इनमें से आप कोई भी राइडर अपनी पॉलिसी के साथ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनमें बेनिफिट्स। तो सबसे पहला बेनिफिट है सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे हम पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट भी कहते हैं, या सिंपल शब्दों में आप इसे मनी बैक भी कह सकते हैं। देखिए, इस पॉलिसी में जब 5 साल कंप्लीट होंगे, 10 साल और 15 साल, तो जो बेसिक सम अश्योर्ड है उसका 20% अमाउंट मनी बैक के रूप में मिलेगा। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सम अश्योर्ड का 20% इन द फॉर्म ऑफ मनी बैक मिलेगा 5वें, 10वें और 15वें साल में। नेक्स्ट बेनिफिट है मेच्योरिटी बेनिफिट। तो मेच्योरिटी बेनिफिट में मिलेगा मेच्योरिटी सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फैब इफ एनी। मेच्योरिटी सम अश्योर्ड जो है वो बेसिक सम अश्योर्ड का 40% होगा। नेक्स्ट बेनिफिट है डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट में आ जाएगा डेथ सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फैब इफ एनी। जो डेथ सम अश्योर्ड है वो बेसिक सम अश्योर्ड का 125% होगा। या फिर डेथ बेनिफिट में मिल सकता है 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड अप टू द डेट ऑफ डेथ से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट है सरेंडर। इस पॉलिसी को आप सरेंडर भी करवा सकते हो, प्रोवाइडेड ये पॉलिसी 2 पूरे पॉलिसी ईयर्स तक चली होनी चाहिए। देन है लोन। आप इस पॉलिसी पे लोन भी ले सकते हैं, सेम कंडीशन है, 2 साल पूरे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट है इनकम टैक्स बेनिफिट। आप जो इस पॉलिसी में प्रीमियम भरेंगे उसमें आपको इनकम टैक्स की छूट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C, और जो मेच्योरिटी इसमें मिलेगी वो भी टैक्स फ्री मेच्योरिटी होगी अंडर सेक्शन 1010D। अब इस प्लान को आप समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मिस्टर अरुण, जिनकी एज है 30 इयर्स और टर्म इन्होंने ली है 20 साल, तो पीपीटी बन रही है 15 साल। सम अश्योर्ड है 3 लाख रुपए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इनका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाए तो मंथली प्रीमियम बन रहा है 1971 रुपए और ईयरली प्रीमियम बन रहा है 23,165 रुपए।
पहले साल का प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। अगर हम टोटल अप्रोक्सीमेट पेड प्रीमियम की बात करें जो कि 15 साल में पे किया गया है, तो उसकी वैल्यू आ रही है 3,47,984 रुपए। अब हम बात करते हैं मनी बैग्स की, जो कि पॉलिसी के 5वें, 10वें और 15वें साल में मिलेंगे। तो देखिए, हमने पहले भी बात की कि जितना सम अश्योर्ड है उसका 20% मनी बैक के रूप में मिलेगा। तो 3 लाख सम अश्योर्ड है और उसका अगर हम 20% कैलकुलेट करते हैं तो वो आ रहा है 60,000। तो 5वें, 10वें और 15वें साल में जो मनी बैक मिलेगा वो मिलेगा 60,000 तीनों साल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेच्योरिटी की, जो कि 20 साल कंप्लीट होने पर मिलेगी। मेच्योरिटी में मिलेगा सम अश्योर्ड का 40% प्लस बोनस प्लस फैब इफ एनी। तो अगर हम सम अश्योर्ड जो कि 3 लाख है उसका 40% कैलकुलेट करते हैं तो वो आ रहा है 1,20,000। बोनस इस पॉलिसी में बन रहा है 2,16,000 और फैब इस पॉलिसी में आ रहा है 12,000। बोनस और फैब की वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी हर साल डिक्लेयर करती है, तो इनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है। अब अगर हम इन तीनों वैल्यूज को टोटल करते हैं तो जो पैसा बन रहा है वो बन रहा है 3,48,000, यानी कि जो 20वें साल में मेच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 3,48,000। पर क्योंकि मनी बैग्स भी पहले आ चुके हैं, तो अगर हम टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो 3 मनी बैग्स का बन रहा है 1,80,000 और जो मेच्योरिटी मिली है वो मिली है 3,48,000। और अगर हम टोटल अप्रोक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट करते हैं दोनों को जोड़ के तो वो आ रहा है 5,28,000। अब अगर मिस्टर अरुण की डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है तो उनके नॉमिनी को मिलेगा डेथ बेनिफिट, जिसमें आएगा 125% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फैब इफ एनी। तो अगर हम सम अश्योर्ड जो कि है 3 लाख और उसका 125% कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 3,75,000, यानी कि उनके नॉमिनी को मिनिमम 3,75,000 हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। आई होप आपको ये प्लान के फीचर्स और बेनिफिट्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।